हाँ जी अस्सलामुअलैकुम। हम लोग किधर जा रहे हैं अलीफ? अभी किधर सफारी जा रहे हैं? अभी किधर जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं सफारी सफारी जा रहे हैं। ओके फिर उधर आगे जाके बात करेंगे। पीछे हो जाओ यार अफीफ। ये देखिए जी शारजा मस्जिद है। अफीफ इधर अफीफ 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 इधर। हाँ अच्छा बताओ इधर इधर तुम लोग किधर जा रहे हो अभी? बताओ ना जरा फ्रेंड्स को। अभी बताएगा तो जरा अभी किधर जा रहे हो? सफारी जाना है। ये देखो। अच्छा जी सफारी देखे। हाँ जी जिब्रान किधर जा रहे हो? हम जा रहे हैं। हाँ उधर क्या है? वहाँ पे डंकी है। आज हम लोग आए सफारी। डेजर्ट सफारी का प्रोग्राम था फैमिली के साथ तो आए हैं। आप लोगों को भी दिखाएंगे तो वीडियो देखिएगा। सनसेट होता है और ये है हमारी गाड़ी। इसमें अभी हम लोग जाने वाले हैं स्पेशली किया हुआ है। काशिफ है, जावेद आए हुए, मैं तो ही हमेशा ही और बस आए हुए आज थोड़ा सा घूम रहे थे। वैसे तो ये गाड़ी में आप लोग अगर आओगे जो 6 से 7 बंदे आ सकते हो, लेकिन हम लोगों ने 3 बंदों के लिए स्पेशली ये गाड़ी बुक की हुई है। अगर आप फैमिली 7 बंदे तकरीबन इस गाड़ी में जा सकते हो 7 आसान से बिल्कुल। यहाँ पे जब भी आएंगे अगर आप लोग बुकिंग करके आएंगे तो क्या करेंगे, एक गाड़ी में आप लोगों को 7 बंदों को बिठाएंगे। अगर आप लोग स्पेशल बुकिंग करके आएंगे तो सिर्फ इस लैंड क्रूजर में 3 बंदे, 1 बंदा 2 बंदे जितने भी हो वो जा सकते हैं आराम से। उसका अलग पेमेंट है फिर? हाँ जी उसका फिर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा जी। ये स्पेशली ये टाइम। और अंदर क्या क्या होता है? अंदर देखे अंदर मिलेगा बेली डांस जी, और इसमें होंगे बुफे और जो सॉफ्ट ड्रिंक जितने भी होंगे वो इसमें जो है अनलिमिटेड है जी। वो जब आप बुकिंग करेंगे उसके साथ जी। और शीशे तो वगैरह शीशा जो भी है वो सारे वो इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। वो तो खैर जो शीशा वगैरह है वो आपने हुक्के वगैरह पीने हैं वो तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बाकी जो पैकेजेस में होते हैं वो बेली डांस आप इंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद जो है ना बुफे हैं और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं ये आपको यहाँ पर मिलेंगे जी। बहुत शुक्रिया। तो आगे हम लोग जाएंगे तो आपको फिर और आगे का बताएंगे। ये अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये अभी जावेद। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया अभी हम लोग अभी निकलने वाले हैं। आगे डेजर्ट कैंप में अंदर क्या होता है वो भी आपको दिखाएंगे और क्या क्या वहाँ पे एडवेंचर से सब आपको इस वर्ल्ड में दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। अभी हम लोग कैंप की तरफ जा रहे हैं। ये है दो चीते साथ में। सफर है एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी में जितना सफर था गाड़ी में इतना मजा नहीं आया तो हमने सोचा चलो अभी पैदल जाते हैं अपने कैंप की तरफ। तो अभी कैंप जा रहे हैं। असल में होना ये चाहिए था कि मैं भी या तो बगैर शूज किया जाता तो या फिर मैं चप्पल पहन लेता क्योंकि शूज में दुश्वारी हो रही है थोड़ी सी। सारा रेत जूतों के अंदर जा रहा है और थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लेकिन एडवेंचर तो इसी को कहते हैं। लेकिन एक बात है आज इन लोगों को मैं गाड़ी से उतार के इसलिए लेके आए। देखिए दोनों सांड लग रहे हैं, दोनों का माशाल्लाह वेट देखें
तो सोचा कि चलो वॉक कर लेंगे और इनका थोड़ा सा जो है ना इन पर फ़र्क भी पड़े, क्योंकि ये लोग तो ड्यूटी के बाद बस घर में जाके सो जाते हैं। और गाड़ी तो सोचा कि चलो इनको जो है ना ये थोड़ा सा इनका वज़न भी घटा देते हैं। और गाड़ी में ये होता है कि आपको डायरेक्ट कैंप के अंदर घुसा देते हैं, आप ये रेगिस्तान का मज़ा नहीं ले पाते हो, कर रहे होंगे जो हवा चल रही है और मतलब इंसानों से और बनाई हुई मटेरियल से दूर नेचर के साथ। वाह जबरदस्त मेरे दोस्तों, बिल्कुल रेगिस्तान में आज पैदल जा रहे हैं और अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं। ये देखें ये गाड़ियां जा रही है और ये है सारी गाड़ियां सफारी की गाड़ियां हैं। तो बस तकरीबन पहुंचने वाले हैं और ये सामने बिल्कुल लाइटिंग नज़र आ रही है ना आप लोगों को, यही है हमारे कैंप सारे, इसमें सारा एंजॉय एंटरटेनमेंट एवरीथिंग आपको अंदर ही मिलेगा। ये सन हमने आज किया है, मुझे नहीं लगता है कि इस डेजर्ट सफारी में किसी और ने किया होगा, क्योंकि हमने बुकिंग भी किया है लेकिन बुकिंग के बावजूद हमने ये सोचा कि हम पैदल जाएंगे और तकरीबन मुझे लगता है कि 1.5 किलोमीटर हम सफ़र तय कर चुके, आगे सिर्फ 1 किलोमीटर बाकी। और ये अभी आप लोगों ने फिल्मों में जो मजनू का रोल देखा है सेम उसी तरह ये तर्क रेगिस्तान है, हमारे पाकिस्तान में सिर्फ तर्क रेगिस्तान है। एक चीज़ की कमी है कि प्यास लगी हुई है, पानी नहीं मिल रहा है सहरा में, प्यास बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है क्योंकि सफ़र काफ़ी कर चुके हैं और सामने देखे उधर निज़ाम है। हम लोग यही एक्सपेरिमेंट करने आए थे कि अगर रेगिस्तान में कोई बंदा फंस जाए बगैर खाए खाने के और पीने के तो वो कैसे बाहर निकलेगा। ये 2 किलोमीटर रेगिस्तान में सफ़र करके हमको अंदाज़ा हो गया है कि आप बाहर निकलने के लिए तो सबसे पहले ऊंची जगह देखो, उसके बाद जिस तरफ आपको लाइट नज़र आए उस तरफ चलना शुरू कर दो। जब आप लोग लाइट की तरफ जाएंगे वहाँ पे आप लोगों को पानी खाना सब कुछ मिलेगा। चीज़ है हमारे साथ अभी तक हमें अपना कैंप का पता नहीं है, जिधर भी लाइट होता है वहाँ जाके पहुँच जाते वो अपना कैंप नहीं होता है। तो अभी भी सामने नजर आ रहा है हम इस लाइटों की तरफ जा रहे हैं लेकिन ये हमारा कैंप नहीं है, वहाँ पे वेल्डिंग का काम हो रहा है वो कैंप बंद है। लगता है हमारा कैंप अभी और भी आगे है और अभी अल्लाह ही हमें पहुँचाए क्योंकि ना पानी है। और मजनू वाला हाल है, ये देखिए मजनू कैसे जा रहा है, इसी तरह का पहाड़ देखना है आपको रेगिस्तान में। ये सामने छोटा सा रमल का पहाड़ आपको दिख रहा है ताकि वहाँ ऊपर चढ़ के आप अपनी ख्वारी का अंदाजा कर सको। सामने पहाड़ के ऊपर जाएंगे काम हो रहा है, हमने सोचा हमारा काम हो रहा है किस पहाड़ पहाड़ नजर आ रहे ना दिखाए जरा उसको, ये जो पहाड़ नजर आ रहा है ये ये जो पहाड़ नजर आ रहे हैं इससे भी हमें पता चले कि हमारा कैंप पहुंच गया है। बंद कर दो वहां से दिखा रहे हैं, ये देखें अभी वो जो बोलते हैं पहाड़ों से कैसे भाई, ये वो पहाड़ था जो मैं आप लोगों को बताया और ये देखें नीचे, ये अभी देखिए हमारा कैंप है। फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए, नीचे देखे कैमल है और टैंकीज वगैरह है, ये एंटरटेनमेंट के लिए है यहाँ पे। और इसके बाद जो है ना ये अपना कैंप है, ये वाला ये कैंप है। फोन आ रहा है मुझे, एक मिनट जी, हाँ बंद करा दीजिए।